नंदिनी ने पुष्पा का हाथ जोरों से पकड़ रखा था। पुष्पा उसकी गिरफ्त से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो सफल नहीं हो रही थी। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, भगवान के लिए नहीं बल्कि भगवान के पास जाने के लिए। तभी राकेश एक नवजात बच्ची को गोद में उठाए कहा है। वो बच्ची जोर जोर से रोई जा रही थी। उस बच्ची को इस तरह रोते हुए देख पुष्पा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राकेश भैया मुन्नी को मुझे दे दीजिए, उसे भूख लगी होगी, प्लीज दे दीजिए। पुष्पा की बात पर राकेश जोर जोर से हंसने लगा। तुम और तुम्हारी ये मुन्नी बस कुछ ही देर की मेहमान है, कुछ देर बाद तुम दोनों यमराज के पास होगे। राकेश ये बात पुष्पा से कह ही रहा था, तभी नंदिनी एक लोहे की छड़ ले आई और उसका जोरदार वार पुष्पा के सिर पर कर दिया। पुष्पा दर्द से कराह उठी। आह! पुष्पा के सिर से लगातार खून बह रहा था। उसके कपड़े खून से पूरी तरह भीग गए थे, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन अब भी वो गिड़गिड़ाते हुए राकेश और नंदिनी से कह रही थी, मुन्नी को मुझे दे दे, मुन्नी को मुझे दे दो। लेकिन अब ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, वो जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी और धीरे धीरे वो मौत की गोद में समाती चली जा रही थी। कुछ देर बाद उसका शरीर बेजान हो गया। लगता है ये मर गई। तसल्ली से देख लो मर गई है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम फंस जाएं। राकेश की गोद में वो नवजात बच्ची अब भी रो रही थी। उसने उस बच्ची को नंदिनी को थमाया और पुष्पा की कलाई को पकड़ा और उसकी नब्ज को देखने लगा जो अब तक कर गई। लो जी कर ली तसल्ली, ये पहुँच गई, ये पहुँच गई अपने ठिकाने पर। इस बीच बच्ची के रोने की आवाज से नंदिनी का मूड खराब हो रहा था। उसने गुस्से में राकेश से कहा, इसका क्या करना है, मैं तो कहती हूँ इसको भी अभी ही ठिकाने लगा देते हैं। अरे तू इतनी बेसब्र ना हुआ कर, एक कांटा तो निकल गया ना रास्ते से, पहले उसे ठिकाने लगाते हैं फिर इसे भी वही ठिकाने लगा देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो इतना रोते जा रही है इसका क्या करूँ, कहीं इसके चक्कर में हम फंस ना जाएं। उसकी बात को सुनकर राकेश ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कहा, मैंने कहा ना तू फिक्र मत कर, अरे मैं हूँ ना, मैंने सारी तैयारी पहले से ही कर ली है। उसके बाद राकेश ने अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला, उसमें उसने दवा भरी और उस बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया। बच्ची गहरी नींद में चली गई। अब ये सो जाएगी गहरी नींद में और इसका रोना हो जाएगा बंद, फिर इन दोनों को हम पुराने तालाब में फेंक आएंगे। उसके बाद उन्होंने पुष्पा और उसकी बेटी को कार में डाला और पुराने तालाब की ओर निकल पड़े। पुष्पा का पति दिवाकर और राकेश बहुत अच्छे दोस्त थे। दिवाकर राकेश की हर मुसीबत में मदद करता, वो उसे दोस्त कम अपना भाई ज्यादा समझता था। एक दिन की बात है, भाई मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अगर नहीं कहा तो मेरी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या हुआ राकेश, रो क्यों रहा है और माँ को क्या हो गया? उन्हें हार्ट अटैक आ गया है यार, और वो गांव के अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा है जिसमें 5 लाख रुपए लगेंगे। अब तुम्हें तो पता है कि इन दिनों मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया है, पैसे मेरे पास बिल्कुल नहीं है, अब माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा यार। राकेश की बातों को सुनकर दिवाकर ने प्यार भरे गुस्से के साथ उससे कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं है ना, हाँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना उनका। अरे पागल पैसों की फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना, अभी जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ दिवाकर ने 5 लाख रुपए का चेक राकेश के हाथों में दे दिया। राकेश ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। भाई तू नहीं होता तो ना जाने मेरी माँ का क्या होता। उसी रात राकेश शहर के बाहर एक रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी के साथ बैठा हुआ था। राकेश के हाथ में बड़ा सा नेकलेस का डिब्बा था। उसने नंदिनी को वो डिब्बा देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे नंदिनी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। नंदिनी ने जैसे ही वो डिब्बा खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड इतना सुंदर हाथ, पूरे 3 लाख का है। 3 लाख? हाँ 3 लाख, बोलो तो बिल दिखाऊं। उसकी बात पर नंदिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उससे कहा,
फिर से तुमने अपने उस बुद्ध दोस्त को चूना लगा दिया। दोस्त नहीं, एटीएम बोलो, एटीएम है वो मेरा एटीएम। राकेश दिवाकर के विश्वास का गलत फायदा उठा रहा था, लेकिन दिवाकर को राकेश की सच्चाई का पता नहीं था। दिवाकर और पुष्पा दोनों उसे भाई ही समझते थे, लेकिन वो तो उनसे मतलब के लिए जुड़ा हुआ था। एक दिन, पुष्पा मुझे 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। फिर से? अरे वो क्या है ना, मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए एक नई जमीन देखी है और वो बड़े सस्ते में मिल रही है, इसलिए मैं जाकर तस्दीक करना चाहता हूँ कि जमीन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो सही हुई तो डील करके ही वापस आऊँगा। दिवाकर जमीन देखने के लिए दूसरे शहर चला गया। उसी शहर में एक दिन दिवाकर की नज़र राकेश पर पड़ी, जो नंदिनी के साथ होटल में खा रहा था। अरे ये राकेश यहाँ इस शहर में क्या कर रहा है? इसकी माँ को तो हार्ट अटैक आया था, इसे तो गाँव में होना चाहिए। 2 दिन पहले तो ये बहुत परेशान था अपनी माँ को लेकर। क्या करूँ, जाकर उससे पूछूं क्या? दिवाकर उधेड़बुन में था कि वो क्या करे और क्या ना करे। आखिरकार वो राकेश के पास गया। राकेश ने उसे देखा तो उसकी हालत पतली हो गई। दिवाकर तुम यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो गांव में होना चाहिए था ना। हाँ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था ना, और ये लड़की कौन है? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। राकेश समझ गया था कि उसका झूठ पकड़ा गया है, फिर भी वो दिवाकर से एक और झूठ बोलने लगा। ये मेरी दोस्त नंदिनी है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है। वो क्या है ना कि माँ का इलाज गांव में नहीं हो सकता था, इसलिए मैं इसके पास यहाँ शहर में ले आया। अरे ये तो बहुत अच्छा किया, अब कैसी है माँ? चल मुझे उनसे मिलवा दे। दिवाकर की इस बात पर राकेश और नंदिनी ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में एक प्लान बनाया। वे दिवाकर को एक सुनसान जगह पर ले गए। ये कहाँ लेकर आ गए हो मुझे? दिवाकर की बात का राकेश ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसका गला पकड़ लिया। सब समझ में आ जाएगा। नंदिनी तुम जरा सादे कागज पर इसकी साइन ले ले। साइन? वो भी सादे कागज पर? मैं नहीं करूँगा साइन। लेकिन उन लोगों ने उससे मारपीट कर उसके साइन ले लिए और उसे खाई से नीचे फेंक दिया। उस सादे कागज पर उन्होंने बाद में लिखा कि मैं दिवाकर अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी राकेश के नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है, वो मुझे मार भी सकती है। उसके बाद तो पूरे शहर में ये बात फैल गई कि पुष्पा अपने पति दिवाकर को मारना चाहती है। पुष्पा तक जब ये बात पहुंची तो उसे इसमें साजिश की बू आई। ये कौन है जो मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहा है, और मेरे पति कहाँ है? पुष्पा ने अपने लेवल पर सारी बातें पता करने की कोशिश की और उसे जल्द ही सारी बातें पता लग गई। उसे पता लग गया कि ये साजिश राकेश ने अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी के साथ मिलकर रची है। वो ये सारी बातें पुलिस को बताने ही वाली थी कि उन दोनों को इसके बारे में पता लग गया और उसने उसे मार दिया। राकेश और नंदिनी पुराने तालाब के पास पहुंचे और उन्होंने पुष्पा की लाश को तालाब में फेंक दिया। अब जल्दी से उस बच्ची को फेंको तालाब में और निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। वो उस बच्ची को तालाब में फेंकने ही वाले थे कि तभी उन्हें गोली की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि सामने से पुलिस वाले आ रहे थे। अरे ये पुलिस कहाँ से आ गई? असल में पुष्पा ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन उसका पुराना दोस्त निकला, जो कॉलेज के समय से ही उसे जानता था और उसे दोस्त कम अपनी बहन मानता था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसके पूरी मदद की बात कही और कहा कि तू चिंता मत कर पुष्पा, बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, मैं तुम्हारे पति का पता लगाने के लिए जान लगा दूंगा। इंस्पेक्टर अर्जुन अपनी टीम के साथ दिवाकर की खोज कर रहे थे। उसी क्रम में उन्हें खाई से उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम के बाद पता लगा कि खाई में गिरने के पहले उसके साथ बहुत मारपीट की गई है। पुलिस को उसकी मौत संदिग्ध लगी और वे इसका पता लगाने लगे, और जल्दी ही पुलिस को राकेश और नंदिनी के कारनामे का पता लगा। तुम दोनों इंसान के वेश में राक्षस हो राक्षस। जो दोस्त तुम्हें इतना प्यार करता था, उसे और उसकी पत्नी को तुम दोनों ने मार दिया, और अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को जिंदा तालाब में फेंकने वाले थे। हाँ, हमने कुछ नहीं किया है, हम बेकसूर हैं। राकेश की इस बात पर इंस्पेक्टर अर्जुन ने 4 डंडे उसे खींच कर मारे और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आया। बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। बाद में इंस्पेक्टर अर्जुन ने पुष्पा की अनाथ बेटी को गोद ले लिया। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।